दोस्तों अगर आप एक इंटरनेट यूजर और करते हैं यार इंटरनेट को यूज, तो आपने कभी ना कभी इसे इसी इंटरनेट को यूज करते हुए क्या होगा यार, आपने किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव को मैसेज। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर आपने कभी सोचा होगा यार यहाँ पर ये मैसेज के पीछे एक बैंक सीन क्या सीन चलता है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको शायद ये कन्फ्यूजन रहेगा कि हमारा मैसेज से निकल के आखिर पहुंचता कैसे है हमारे उस रेसिपिएंट तक जिसको हमने यहाँ पर मैसेज कर रखा है। तो यार आज वीडियो अगर तक देखती है, मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर SMS API इंटीग्रेशन के बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये SMS API इंटीग्रेशन जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर कितना ज़्यादा ख़राब है हमारी इस मैसेजिंग सर्विसेज के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैसेजिंग की, तो क्योंकि मैसेजिंग का जो टाइम है, फिर मैसेजिंग का जो बेसिकली हिस्ट्री है वो तो चलती आ रही है काफी टाइम से। और दोस्तों ऐसे में इंसानों ने जब से रखा है दुनिया में कदम, और दोस्तों इसके बारे में हमें इतने कोई बेसिकली आइडियाज नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का जो यहाँ पर फ्लो है, फिर कम्युनिकेशन की जो लाइन है वो यहाँ पर चलती आ रही है काफी टाइम पहले से। और दोस्तों ऐसे में आपके पास जो कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग अवसर है, तो दोस्तों उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आते हैं मोर्स कोड का, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर मोर्स की बात, उससे पहले तो आपके पास यहाँ पर जो चिट्ठीज वगैरह का सिस्टम था, या फिर मान लो कोई चिट्ठीज होगी जो कि आपके पास दूर दराज के लोगों को भेजी जाती थी। लेकिन उसके बाद में इंसानों ने ये सोचा कि यार हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, या फिर एक ऐसी चीज होनी चाहिए, फिर एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसके थ्रू इंस्टेंटली हम लोग मैसेजेस को दे पाए एक दूसरे को, और वो ऑन टाइम भी वहां पर डिलीवर हो सके। अब क्योंकि अगर आपसे बात करते ना यहाँ पर पुराने वक्तों की, तो दोस्तों उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पर कोई मैसेजिंग सर्विसेज नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं थी, कोई टेलीफोन्स नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था। तो ऐसे में यार उस टाइम पे मैसेजिंग को कन्वे करना एक पर्सन टू पर्सन काफी ज्यादा मुश्किल होता था। और दोस्तों ऐसे में उसके अंदर काफी लिमिटेशन भी थी कि कैसे लेके जाए इतनी दूर एक बंदा एक मैसेज को, और दोस्तों वो मैसेज ऑन टाइम पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा उसकी भी यहाँ पर कोई गारंटी होती नहीं है। और दोस्तों क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम की, तो दोस्तों आज के टाइम में हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं बड़े बड़े यहाँ पर एप्स जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर करते हैं भाई मैसेजिंग, और दोस्तों हमारा जो मैसेज है वो उसी टाइम पे एकदम इंस्टेंट स्पीड के साथ में पहुंच जाता है उस यूजर तक या फिर उस फ्रेंड तक जिसको हमने यहाँ पर वो मैसेज को कर रखा है। अब दोस्तों ऐसे में अगर बात करते हैं यहाँ पर API इंटीग्रेशन की, तो दोस्तों API इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली यूज की जाती है आपके पास यहाँ पर मैसेजिंग सर्विसेज के अंदर, या फिर बात करता हूँ नेटवर्क्स की, जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है वो जाएगा एक ट्रेवल करेगा बेसिकली एक आपके पास बाइनरी कोड की शक्ल में, जो कि आपके पास से निकल के जाएगा आपके जो रिसीवर है उसके पास में। मतलब मान लो कि आप सेंडर हो और सेंडर जो है वो यहाँ पर मैसेज को सेंड करेगा, और दोस्तों सेंडर से निकल के वो चला जाएगा रिसीवर के पास में, और दोस्तों रिसीवर जो है उसको रिसीव करेगा और सुन लेगा कि मैसेज जो था वो एग्जैक्टली क्या था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यार हम लोग लेकर आ गए यहाँ पर एक API का सिस्टम, जो कि आपके पास जो है यहाँ पर काफी प्रिसाइसली काम करता है आपके नेटवर्क के अंदर काम करते हुए। और दोस्तों आपके जो नेटवर्क है बेसिकली उसकी सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा कंसर्न है, वो तो एक अपनी बात निकल के आ जाएगी। लेकिन ऐसे में बात करता हूँ ना आपसे यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की, तो बेसिकली API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, और दोस्तों इसके थ्रू जो है आपका जो मैसेज है बेसिकली वो जाएगा और इसके होते हुए जाएगा, मतलब ये जो है आपके मैसेज को लेगा और लेके जाएगा रिसीवर के पास में, और दोस्तों रिसीवर को जाके दे देगा, और रिसीवर जो है वो आपके मैसेज को यहाँ पर कंप्लीटली देख लेगा इनकोड करके, अगर कोई कोड है फिर कोई इंक्रिप्शन है तो, अदरवाइज उसको जो मैसेज है वो मिल जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैसेज था वो यहाँ पर क्या था। अब दोस्तों हम जरा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और दोस्तों समझते हैं कि किस तरीके से जो डेवलपर्स हैं, जो आपके पास दुनिया भर में डेवलपर्स हैं, वो किस तरीके से मैसेज को सेंड करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, और दोस्तों किस तरीके से कंप्लीट नेटवर्क के अंदर ये सारा काम यहाँ पर इंडिविजुअली होता रहता है। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले शुरुआत की, यानी कि स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में मान लो कि आपके पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के ऊपर दो पोल है, एक आपके पास स्टार्टिंग पोल होगा, एक आपके पास एंडिंग पोल होगा। मैसेज जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से जो कि होगा आपके पास यहाँ पर सेंडर का, और जाएगा एंडिंग पॉइंट जो कि आपका होगा रिसीवर का। अब दोस्तों बीच में लगा है आपके पास यहाँ पर API, और दोस्तों API इंटीग्रेशन का मतलब ये कि वो सारे मैसेजेस जितने भी मैसेजेस उसके पास आएंगे, मतलब ग्लोबली यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबली लोगों की, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे इंटरनेट को यूज करते ही हैं। अब वो जाएंगे अपने मैसेज, यानी कि वो करेंगे अपने मैसेजेस को, और वो सारे मैसेजेस API करेगा इंटीग्रेट, यानी कि API करेगा जमा, उसको कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद में वो API जो है
को लेके जाएगा रिसीवर्स के अपने अपने रिसीवर्स के पास में, और ये काम होता है आपके पास गेटवेज की मदद से। मतलब गेटवेज का काम ये होता है कि उसके साथ में टच होता है एक आईपी एड्रेस, या फिर मान लो कोई किसी तरह का एक नंबर एड्रेस होगा या फिर अटैच्ड होगा, चूंकि एक टोकन की तरह काम करता है दोस्तों। ऐसे में उन सभी के साथ में अलग 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 पैकेट जो होंगे मैसेज के, उनके साथ में होगा यार एक टोकन, वो अलग अलग टोकन जो है वो जाएंगे अलग अलग नेटवर्क के अंदर। मतलब किन किन यूजर्स को किन किन मैसेज को देना है, मतलब ऐसा ना हो कि आपका मैसेज मुझे मिल जाए या फिर मुझे किसी और का मैसेज मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मैसेज इंस्टेंटली जाएगा उसी यूजर के पास में जिसको आप पे भेजना चाह रहे हो। ऐसा ना हो कि आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर कोई मिसकनेक्टिंग हो जाए और दोस्तों ऐसे में आपके पास प्रॉब्लम हो जाए और वो मैसेज जो है जो कि आप किसी को करना चाह रहे हो वो किसी और के पास में चला जाए। तो ये इसी चीज का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है इस चीज के अंदर। और दोस्तों इसका ध्यान रखते हुए हमें ये मालूम चल जाता है कि हाँ ये जो मैसेज है ये हमारा सही जगह पे पहुंच चुका है। अब दोस्तों समझते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट को। अब मान लो कि आपके पास एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर, अब बीच में है एपीआई। अब एपीआई क्या करेगा, दुनिया भर से आने वाले जो मैसेजेस हैं, चूंकि दुनिया भर से ग्लोबली अपनी अलग अलग डिवाइसेस से कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को, तो वो सारे इंटीग्रेट करेगा यानी कि कलेक्ट करेगा, उसके बाद जाएंगे गेटवेज के पास में। और दोस्तों गेटवेज क्या करेगा, अलग अलग नंबर्स के साथ में अटैच करके उनको स्प्रेड आउट कर देगा आगे नेटवर्क में। और दोस्तों नेटवर्क में स्प्रेड आउट करने के बाद में वो अपना काम यहाँ पर निपटा लेगा। और दोस्तों ऐसे में उनका जब काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में वो सारे मैसेजेस पहुंच जाएंगे उन रिसिपिएंट्स या फिर उस रिसीवर्स के पास में जिनको वो मैसेजेस यहाँ पर मिलने चाहिए। तो ये काम होता है काफी ज्यादा कम टाइम में। और दोस्तों ऐसे में अगर हम कंपेयर करते हैं सिनेरियो को पिछली वाली सिनेरियो से, मतलब पिछली सिचुएशन से जो कि हमें काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी काफी सालों से, ये एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी के वो तो अभी के टाइम पे हुए, मतलब आने वाले कुछ सर्टेन ईयर्स होंगे या फिर आने वाले कुछ रिसेंट ईयर्स होंगे उनके अंदर ये सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं। इससे पहले पुराने वक्तों में तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और दोस्तों ऐसे में आपके पास जो मैसेजिंग सिचुएशंस थी वो तो आप सभी को शायद पता होगी। अब दोस्तों ऐसे में ये होता है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट काम। और दोस्तों आपके पास जो इंक्रिप्शन होती है जिसमें आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई आपका जो यहाँ पर पब्लिक की है वो आपके पास सबके पास होगी और जो प्राइवेट की है वो आपके पास सिर्फ अपनी होगी। और इसी तरीके से जो आपका रिसीवर है उसके पास प्राइवेट की अपनी होगी और जो पब्लिक की है वो सारे लोगों के पास होगी। तो वो आपके मैसेज को करेगा पहले अपनी प्राइवेट की से अनलॉक, उसके बाद पब्लिक की से अनलॉक करेगा जो कि उसके पास भी है, और उसके बाद में जो है वो मैसेज वो वहां पर पढ़ सकता है। तो इंक्रिप्शन, क्योंकि नेटवर्क की बात हुई तो दोस्तों नेटवर्क के अंदर इंक्रिप्शन का काफी ज्यादा बड़ा एक बेसिकली महत्व है दोस्तों, क्योंकि अगर नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी सही नहीं होगी तो कोई भी आपकी जो मैसेजेस है उसको यहाँ पर बीच में से जो है वो स्निफ कर सकते हैं। और दोस्तों स्निफ हो गया डेटा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि कोई भी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो हमें देखने को ना मिले। तो फोक्स यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी API इंटीग्रेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसी SMS API इंटीग्रेशन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।